हेलो बच्चो सी क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट अ सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कंटेन्स ऑयल आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर आर इमर्स्ड इन द ऑयल हाउ मेनी स्फीयर्स आर नेसेसरी टू रेज द लेवल ऑफ द ऑयल बाय टू सेंटीमीटर्स तो हमको बोला एक सिलेंड्रिकल जार है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर कंटेन्स ऑयल जो कंटेन करता है ऑयल को आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर आर इमर्स इन द ऑयल रेडियस 1.5 सेंटीमीटर के स्फीयर्स को इनके अंदर इमर्स किया जाता है तो हमको ये बताना है कि टू सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए हमको कितने कितने ऑयल की कितने स्पेयर्स की आयरन स्पेयर्स की जरूरत होगी हमको बताना है तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा सबसे पहले ये बता देते हैं तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके इक्वल होगा फोर बाई थ्री पाई आ, आर क्यूब होगा यहाँ से और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये किसके इक्वल हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास में आ जाएगा ये हमारे पास बनेगा पाई आर स्क्वाच तो हम यहाँ पे इन्हीं का यूज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम हम बोल सकते हैं इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा इंक्रीज वॉल्यूम इन ऑयल अब इंक्रीज वॉल्यूम इन ऑयल जो है हमारे पास कितना हो जाएगा जब हम स्फीयर को आयरन स्पियर को हम क्या करेंगे इमर्स करवाएंगे उसके अंदर तो टू सेंटीमीटर का इंक्रीज हो रहा है लेवल में तो हम यहां से बोलेंगे तो लेवल में ये इंक्रीज हो रहा है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पाई यहाँ पे आर का स्क्वायर सिक्स सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर और एच जो है टू सेंटीमीटर का इमर्स और टू सेंटीमीटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे पास में इंक्रीज वॉल्यूम बनेगा ऑयल में तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं आयरन स्फीयर है हमने लेट कर लिया लेट एन आयरन स्फीयर्स एन आयरन स्फीयर्स आर रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड वो रिक्वायर्ड होंगे हमने ये ज्यूम कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ एन आयरन स्फियर्स ये हमारे पास कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास एन मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई थ्री पाई और यहाँ से आर क्यूब अब आर हमारे पास कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्यूब ये हमने बोला तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं अब देखिए इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ है वो ही तो वॉल्यूम आयरन स्फियर्स का होगा तो हमने बोला एन मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई पाई यानी कि ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से वन पॉइंट फाइव को थ्री बाई टू थ्री बाई टू और थ्री बाई टू लिख देंगे यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा ये पाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू हो जाएगा अब दोनों सेंटीमीटर क्यूब में तो है ही तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं पाई से पाई को सबसे पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा ये हम देख सकते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू एंड यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर एंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री हो जाएगा तो हम यहाँ से थ्री 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 से इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं देखिए हम यहाँ पर किसको कैंसिल आउट कर देते हैं इसको इसको और इसको तो यहाँ पर टू और टू बचेगा टू टू फोर यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर यह कितना बन जाएगा हमारे पास सिक्सटीन आ जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो कितनी होगी रिक्वायर्ड तो यहाँ से नंबर ऑफ़ बॉल्स हो जाएंगी हमारे पास सिक्सटीन रिक्वायर्ड बॉल्स हमारे पास सिक्सटीन हो जाएंगी आई होप यू अंडरस्टूड इट वे गुड लक थैंक यू